नमस्कार, दर्पण में आपका स्वागत है। मैं हूं नसरीन। आज हम चर्चा करेंगे विकास एक्सप्रेस पर। जी हां, भारत देश में जहां पर जनरल कोच में बैठने के लिए लोग झगड़ते हैं, जनरल कोच गिनती के 2 से 3 होते हैं, लेकिन उसी देश में अगर बुलेट ट्रेन दौड़ा दी जाए, अगर मेट्रो ट्रेन शुरू कर दी जाए हर बड़े सिटीज में, और 2 से 3 बड़े बड़े सिटीज के बीच में बुलेट ट्रेन दौड़ा दी जाए, स्टेशनों को अगर हम एयरपोर्ट की तरह एयरपोर्ट में तब्दील कर दें, तो क्या वो देश का विकास हो जाएगा? इसी मुद्दे पर है आज हमारी चर्चा विकास एक्सप्रेस। और आज इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं कांग्रेस से कैलाश जी गढ़वी। आपका स्वागत है आज हमारे इस शो में कैलाश जी। साथ ही है बीजेपी से भावना बेन दवे, आपका भी स्वागत है हमारे शो में। और हमारे साथ हैं सोशल महिला एक्टिविस्ट रुजान खंबाता जी, आपका भी स्वागत है आज इस। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करते हैं। मैं सबसे पहले सवाल करूंगी विपक्ष से, जो मैंने शुरुआती तौर पे शुरुआत में प्रोग्राम के कहा कि अगर हम बुलेट ट्रेन ही शुरू कर दें, अगर हम एयरपोर्ट की तरह सब कुछ एसी कर दें, तो क्या वही व्याख्या हो गई विकास की? विकास की व्याख्या का एक भाग यह भी है जी कि ऐसी व्यवस्था हो जी, उसमें गलत नहीं है जी, होना चाहिए जी। मगर मुझे क्या एक डर लगता है जी, डर इसलिए लगता है कि जो सरकार जी, ये जो सरकार है, क्योंकि ये गुजरात मॉडल पे केंद्रीय दिल्ली की सरकार बनी हुई है जी। और जिस तरह से मेट्रो ट्रेन के नाम पे गुजरात को पिछले 8 साल से अंधेरे में रखने में आया है, गुजरात के बाद जिन राज्यों में मेट्रो ट्रेन अप्रूव हुआ वहां मेट्रो ट्रेन दौड़ने लगी है, और अभी भी यहाँ पे चिंगम चिवाने के लिए दे देने में आया है, उसी तरीके से यह बुलेट ट्रेन जो है जी, और वही सरकार दिल्ली गई है जिसने यहाँ गुजरात को 8 साल तक इस मुद्दे पे मूर्ख बनाया है, और वही वे कह रहे हैं कि हम बुलेट ट्रेन देंगे, तो कितना लॉजिकल, कितने समय में करके दोगे? हाँ, मुझे एक विश्वास है कि उन्होंने नया कुछ नहीं किया है, क्योंकि यूपीए सरकार ने ऑलरेडी इस मुद्दे पे सर्वे करके और प्रॉपर रिपोर्ट भी सबमिट कर दिया है। आज हमारी सरकार कंटिन्यू होती तो हम पक्का उसको इंप्लीमेंट करते और हम उस पर आगे काम बढ़ाते। आज उनकी सरकार है तो वो करें, एक ही हमारी रिक्वेस्ट है कि वो करें। जहां तक विकास की बात है कि क्या कुछ ट्रेन या कुछ स्टेशन मॉडर्नाइज करके आप पूरे देश को लाभ दे दोगे, तो ये नहीं हो सकता। इसके लिए सब पैरेलल इकोनॉमी, पैरेलल डेवलपमेंट की बात करनी पड़ेगी। मगर जो कुछ की एक शुरुआत है, हम उसमें पीछे नहीं हटे, हम उसको स्वीकार रहे हैं। मगर एक खास ध्यान देने की बात है कि जो आप जो भाड़े बढ़ाने की बात करते हो, जो आम आदमी को हैरान करने की बात करते हो, एक तरफ बुलेट के एसी के लिए 5 लोगों की बात करते हो, इधर 95 लोग ऐसे बैठे हुए हैं जिनको भाड़े भरने के पैसे नहीं है और उनको रोजी रोटी के लिए देश में घूमना पड़ता है जी। तो उन सबको साथ में लेके चलने की बात करो और उस पे काम करो जी। भावना बहन, आप क्या कहेंगे इस पर, क्योंकि कैलाश जी ने सीधे सीधे कहा, और एक जाहिर सी बात है कि अगर बुलेट ट्रेन देश में दौड़ती हो जाएगी तो जाहिर सी बात है अगर नॉर्मल जो ट्रेन है अभी उसकी उसका जो फेयर है, उसका जो किराया है, लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। शायद जनरल कोच भर भर के जाते हैं, लेकिन एसी कोच तो दूर की बात रही, एक स्लीपर कोच भी खाली जाता है कई बार। तो आप क्या कहें, बुलेट ट्रेन अगर देश में स्टार्ट कर देंगे लेकिन उसके लिए पैसा तो देना पड़ेगा? बिल्कुल, कैलाश जी की जो आशंका है वो उनकी जगह सही है, क्योंकि अब हमने देखा अभी कि 359 परियोजनाएं जो पहले रजू की थी रेल बजट में उन लोगों के समय में, वो पूरी नहीं हुई है। तो वो वास्तविक है कि कैलाश जी को आशंका जरूर होगी, वो उनके स्थान पर सही है, किंतु उन्होंने आशा जताई है कि ये देखो हमने सर्वेक्षण किया है और हमारी सरकार होती तो ये करते, अब इन लोगों की सरकार है वो करेंगे। तो मैं कैलाश जी को और देश की जनता को कहना चाहती हूं कि जरूर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो ये योजनाएं रखी है देश के सामने, तो गुजरात मेट्रो जैसा ही होगा। भावना में गुजरात मेट्रो जैसा ही होगा जी, गुजरात में जैसे मेट्रो ट्रेन अभी दौड़ रही है। आज मैं पूरा जो रेलवे बजट है वो अहमदाबाद से मेट्रो में बैठ के गांधीनगर गया, वहां बैठ के मैंने सुना। क्या ये ऐसे ही होने वाला है? या इनका जो क्वेश्चन है एंकर का, उसका एक बहुत अच्छा जवाब दूं आपको। 4 दिन पहले अहमदाबाद में रोड पे लोग निकल गए थे और पूरा रास्ता जाम कर दिया, क्यों मालूम है? आपके इसी बुलेट और रेगुलर ट्रेन के डिफरेंस में, जिस तरह BRTS के नाम पे हायर आप चार्ज लेकर के और लोकल बस को बंद कर रहे थे, और जो लोगों को हैरानगति आ रही थी, लोगों को पॉकेट में वजन बढ़ रहा था,
क्या वही मॉडल फिर करोगे आप वहां? आप देख लो जन आक्रोश आ गया, तो समझ के करना, जहां जरूरत हो वही करना, न जरूरत हो वहां मत करना, और आम आदमी का ध्यान रखना। आप क्या कहेंगे, माफ कीजिएगा भावना बहन, मैं आपको फिर बोलने का मौका दूंगी। रुझान जी आप क्या कहेंगे, क्योंकि एक आम आदमी की जेब पर तो बिल्कुल वजन पड़ने ही वाला है। कमिंग बैक टू सी, जो अगर अभी कंपैरिजन हुई तो मैं बता दूं कि बीआरटीएस का फंडामेंटल ये था कि भाई इंडस्ट्रियलिस्ट या जो लोग गाड़ी में घूमते हैं वो बीआरटीएस में चालू कर देंगे जैसे फॉरेन में होता है, और ताकि अपना जो एनवायरमेंट का वो हुए, पेट्रोल कम यूज हुए, ऑल दोस थिंग्स, बट ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन वो तो नहीं हो पाया, बट अनफॉर्चुनेटली ये लोग ने एएमटीएस का जो रूट चेंज किया और जो बंद किया और जो अपना आंदोलन देखा वो एक अलग स्टोरी है। बुलेट ट्रेन में भी अभी ये लोग कह रहे हैं, कंपैरिजन हो रही है, एग्जांपल दे रहे हैं, गिव एन एग्जांपल कि मान लो कि अभी दिल्ली जाने की, अहमदाबाद दिल्ली की 2500 की टिकट है राजधानी की, और अगर वो अपनी बुलेट ट्रेन आएगी तो शायद 3500 की टिकट होगी, और प्लेन का भी भाड़ा है 5000 का। तो लोग यही कह रहे हैं कि भाई हम लोग ये इतने छोटे, अगर ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट लेगा जाएगा तो इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं बुलेट में ट्रेवल करेंगे, क्योंकि बोलते इतना हमारा कोई पैसा भी बच नहीं रहा है, कोई टाइम भी बच नहीं रहा, तो हम क्यों बुलेट में ट्रेवल करें। अब जो बुलेट में ट्रेवल करने वाला वो नियो मिडिल क्लास, जो हमारा नया कॉइन वर्ड हुआ ना, जो नियो मिडिल क्लास और मिडिल क्लास बुलेट में आएगा, लेकिन वो ये भाड़ा अफोर्ड नहीं कर पाएगा। सो जो इसमें जो अपने को जो दिमाग यूज करके जो जो वो करके ऐसी प्लानिंग करनी है कि हम लोग हमारे बुलेट ट्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह बनाए ताकि लोगों का टाइम बच सके और साथ में पैसा भी बच सके, तभी ये सक्सेसफुल जाएगा। वरना आप बोलोगे कि अब मैंने बुलेट ट्रेन दी तो मैं भाड़ा ज्यादा दूंगा, तो ये सक्सेसफुल कभी नहीं होने वाला है। और दूसरी बात कि ये कर सकते हैं क्योंकि हमारे जो अभी एग्जिस्टिंग रेल ट्रैक्स है, कुछ नए रेल ट्रैक्स है, कुछ पुराने रेल ट्रैक्स है, तो जो हमारे अभी एग्जिस्टिंग रेल ट्रैक्स है, और हमें बुलेट ट्रेन ऐसी भी नहीं चाहिए कि हमको 400 किलोमीटर की स्पीड चाहिए, हमें करीब 150 से 250 की स्पीड में बुलेट ट्रेन दौड़ानी, क्योंकि ऐसे भी 120 किलोमीटर पे तो हम बुलेट ट्रेन दौड़ा ही रहे हैं। इसलिए ये जो हमें नाम, जो बुलेट ट्रेन जो हमें नाम अट्रैक्ट कर रहा है, ये नाम के अट्रैक्ट के साथ साथ अगर हम रेट्स को सही तरह रखेंगे और अगर उसका जो पूरा मॉडल है, जो बुलेट ट्रेन का इंप्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन मॉडल, अगर उसको हम सही रीत से लेंगे, तो हम ये क्या कर सकते हैं कि हम हमारी जो एग्जिस्टिंग अभी रेलवे लाइंस है उसी को यूज करके, उसी को थोड़ा सा अपग्रेड करके, हम हमारे जो रेट्स है बुलेट के टिकट के रेट्स, उसको कंट्रोल में रखेंगे। तो मेन आम आदमी को कब फायदा होगा कि जब उसको एसी की वो सहूलियत मिलेगी, लेकिन वो भाड़ा देगा लोकल का, तो मजा आएगी, तो उसको मैं विकास कहूंगी, वरना तो विकास तो है ही सब। अहमदाबाद जी, अहमदाबाद और मुंबई के बीच में तीसरा ट्रैक का 90% काम पूरा होने आया है। तीसरे ट्रैक का, दो ट्रैक तो है, तीसरा ट्रैक का 90% काम पूरा होने आया है। अगेन जैसे मैं छोटी सी बात बताऊं, अभी एक सोशल मीडिया पे एक जोक चल रहा है, उसमें नरेंद्र मोदी जी राजनाथ सिंह को ऐसा बोलते हैं कि अरे राजनाथ सिंह, यूपी वालों ने इतना काम किया है ना, मैं खाली उसका उद्घाटन कर रहा हूं ना, तो 3 साल मेरे निकल जाएंगे, इन्होंने इतना सारा काम कर लिया है। तो ये कहने का मतलब क्या, बहुत सारे काम हो गए, इनको खाली वो स्टार्टअप के ना बटन दबा के ऑन करना है या झंडा दिखाकर ट्रेन चालू कराना है जी। दूसरी बात, एक भावना बहन बहुत अच्छी बात कही, उनका जवाब देना, उन्होंने 249 प्रोजेक्ट की बात की, 349 प्रोजेक्ट जो चालू है उनको पूरा, बाकी अभी पूरा करना है। मैं इनको धन्यवाद दूंगा, इनके साथ में इनके प्रधानमंत्री को और रेल मिनिस्टर को भी धन्यवाद दूंगा, क्योंकि इन्होंने स्वीकारा कि ये प्रोजेक्ट अच्छे हैं, देश की जनता के लिए लाभदायक हैं और करने जैसे हैं, और आगे जो काम है हम करते रहेंगे और आप भी करोगे, हम पॉजिटिव हेल्प देंगे हम आपको जी। भावना बहन क्या कहेंगे आप? नहीं, आपने इतना अच्छा काम किया होता तो आज रेल बजट आप रख रहे होते, हमें आने की जरूरत नहीं थी, पर जनता ने हमको बिठाया है। आप समझ सकते हैं कि आपने कितना काम किया है। बात सही है, मैं आपकी बात स्वीकारता हूं, आपको ये बात भी स्वीकारनी चाहिए कि इस देश का हर 10 वोटर में से 7 वोटर आपके विरुद्ध में वोट दिया है। आप हवा में मत घूमिए, जमीन पे चलिए और जमीनी विकास पे जोड़िए, और ये इलेक्शन पूरा आइडियोलॉजी बेस पे लड़ा गया है, ये इलेक्शन आइडियोलॉजी बेस पे लड़ा गया है, और आपकी आइडियोलॉजी के सामने देश के 70% लोग हैं, आपके पास 30% लोग हैं। हाँ, ये लोकतंत्र की मर्यादा कहो या कम नसीबी कहो कि जो सीट लेके आते हैं वो जीतते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूं कि यूपी में महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, तो इसलिए सर हमने तो वोट दिया है, अब देखते हैं। इसलिए तो मैं तो कब से यही बोल रही हूँ कि अब देखते हैं कि जो मिस्टर मोदी, जिसको इंप्लीमेंटर कहा जाता है, एग्जीक्यूशनर कहा जाता है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर कहा जाता है, तो लेट अस गिव हिम सम चांस, एंड आई एम श्योर ही विल नॉट ओनली चांस, वी विल टाइम आल्सो। हां टाइम, आई थिंक लेट अस बी फेयर। बात पूछना, बहुत अच्छी बात बताऊंगा। इन्होंने अभी रेलवे का भाड़ा बढ़ाया, ठीक है, रेलवे बढ़ाया, इन्होंने कहा कि पहली सरकार ने ऐसा कुछ रिकमेंडेशन आया था, भाई एक कमेटी रिकमेंड तो समझे, बहुत सारी चीजें करती है, उसको इंप्लीमेंट करना सरकार की जवाबदारी है, हमने उसको इंप्लीमेंट नहीं किया, इन्होंने किया, उस पर मैं बात नहीं करना चाहता। मैं इनसे एक ही बात रिक्वेस्ट करता हूं कि इन्होंने इंप्लीमेंट किया उसका कारण यह बताया कि रेलवे को फंड की जरूरत है और इस देश का रेलवे नुकसान कर, ऐसा इन्होंने लॉजिक था। सिमिलर इसी टाइप से एयर इंडिया है, इनको भी बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है,
तो क्या वहां ये उसको कंपनसेट करने के लिए भाड़ा बढ़ाएंगे? नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि इनको जो है वहां प्लानिंग मैनेजमेंट करना है और यहां प्रजा के ऊपर लोड डालना है। आप वो काम करो साथ में, वहां तो इससे बड़ा नुकसान है। और वहां जो पैसे, जो उसके ट्रेवलर्स हैं, वो पैसा दे सकते हैं, कैपेसिटी रखने वाले लोग हैं, तो वहां वो कंपनसेट क्यों नहीं कर रहे हो आप? जी भास भाई, आप धीरज रखिए, ये रेल बजट आज आया है, लोगों ने देखा है, और जो कीमतें बढ़ाई थी वो आपकी बदौलत बढ़ाई, क्योंकि आपने हमने वारिस में जो कुछ दिया है वो ऐसा दिया है कि उसको ठीक करने में हमें समय लगेगा। आपने जितना समय लिया है हम उतने महीने भी नहीं लेंगे। आप देखना कि कैसे काम चलता है विकास का, कैसे काम होता है। जनता ने हम पर विश्वास रखा है और विश्वास को हम बरकरार रखेंगे, इसमें दो राय नहीं है। आपका आप हमने ये कि हमारा जो वारिस आपको ये दिया हुआ, हमारा विरासत ये दी हुई है आपको कि आप 160 से ऊपर की स्पीड चलाएंगे, 160 तक की स्पीड हमने दे दी है आपको, आपने टेस्ट भी कर लिया। ऐसे बहुत सारे चीजें, आज हमने आपको 2.3 करोड़ ट्रेवलर्स का एक सेट दिया है, आप उसको आगे ले जाएंगे। आज 1 बिलियन टन गुड्स का हम ट्रेवल कैरी कर रहे हैं, वो आप इतिहास आगे ले जाएंगे। तो इस भव्य इतिहास के लिए हमें धन्यवाद दो। आप क्रिटिसिज्म क्यों कर रहे हैं? आपको तो आभार व्यक्त करना चाहिए कि हमने आपको इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, इतने सारे सिस्टम दिए हैं आपको, उसमें आप क्या कर रहे हैं? आरओ लगाना, आरओ। 2012 में यात्रियों की संख्या घटी है, 2012 में वो परिवहन का भी परसेंटेज घटा हुआ है, उनको बढ़ाना है, हम बढ़ाकर बताएंगे आपको। जी भावना बहन, इस चीज के लिए, बुलेट ट्रेन के लिए लाखों करोड़ों रुपए का खर्च होगा, इतना सारा बजट, इतना बड़ा बजट जो बताया जा रहा है, लेकिन ये बजट आएगा कहाँ से? बताया नहीं उन्होंने कहीं बजट में। बताऊं, बिल्कुल सही प्रश्न आपने पूछा है कि ये जो बजट है, बजट कहाँ से आएगा? तो हमारी गवर्नमेंट ने यहां पर, हमारे आज सदानंद गौड़ा जी ने रखा था कि एफडीआई के लिए हम कैबिनेट में कहेंगे, और कैबिनेट अगर मंजूरी दे देंगी तो एफडीआई का भी प्रावधान है, और दूसरा पीपीपी है, वो उनसे भी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से भी हम ये काम कर सकते हैं। लोगों को और सबको विश्वास है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर, सब लोग देंगे, हम बनाएंगे सुविधा और कोई बोझ जनता पर नहीं डालेंगे। और ये सुविधा जब जनता को जब महसूस होगा कि ऐसा हो सकता है, तब जरूर वो मानेंगे कि नहीं, ये काम अच्छा हुआ है। रेल बजट ऐसा ही होना चाहिए। हमने देखो, राजनीतिक तरीके से हमने रेल बजट रखा नहीं है कि चलो इधर हमारा स्टेट है, यहां हमें ज्यादा वोट मिले हैं तो उधर अच्छा पैकेज दे दो। देखो, हमने अरुणाचल में, ये ईशान पूर्व में, आप अभी तक रेल बजट में कभी नहीं हुआ, हमने ईशान पूर्व में ज्यादा रेल बजट दिया है, क्योंकि आप जानते हैं कि सरहद का सुरक्षा भी बहुत जरूरी है, और वहां पर ईशान पूर्व के सभी स्टेट में अभी तक जो सुविधा नहीं है, उन लोगों का भी अधिकार है, हमने ऐसा नहीं सोचा। की बात की आपने, एफडीआई की बात की भावना में, हमको जो मिला है जहां से वोट, वहीं पर हम उनको सुविधा दे, हमने पूरे देश की आपने बात की भावना में, रेल बजट रखा हुआ भावना में, आपका फाइनेंशियल प्लानिंग पे हमने बात करे, आपने एफडीआई की बात की, आपने बोला कैबिनेट उसको अप्रूव करेगा, आप किस कैबिनेट से अप्रूव कराओगे? कैबिनेट के उन लोगों से जिन्होंने गए पार्लियामेंट में इसी चीज का विरोध करते हुए, इसी पार्लियामेंट का वॉकआउट किया था और विरोध किया था, क्या वही लोग, वही कैबिनेट में नए आए लोग जो उसका विरोध कर रहे थे, वो इसका अप्रूवल देंगे? अगर वही लोग हैं तो आपकी करनी और कथनी में अंतर है। ये देश की जनता को इस इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने कौन सी बात का विरोध किया था वो आपको पूरी जानकारी नहीं है। एफडीआई का विरोध किया था आपने इसमें, और उसके लिए पूरा पार्लियामेंट का बायकॉट किया था आपने। एफडीआई का पूरा 100% का विरोध नहीं किया है। अभी भी देखो, रेल बजट में जो एफडीआई की स्वीकृति है वो उनका विकास के लिए है, उसके संचालन में हम एफडीआई का पैसा कहां जाएगा ऐसा नहीं। और बड़ी विकास मतलब क्या, एफडीआई आता है तो ठीक है, पर छोटी छोटी इंडस्ट्री में एफडीआई का हमने विरोध जरूर किया था, आपको आपको याद नहीं है कि भाजपा ने विरोध किया है? हमने सब याद है, यही जानते हैं कि भाजपा का ही विरोध करो, किंतु आए विकास में हम सहयोग अच्छी तरह से लेना चाहते हैं, परंतु हम बिक जाने वाले नहीं है किसी के आगे। आप सहयोग याद आ रहा है, जब पार्लियामेंट नहीं चले 1.5 साल तक, देश की इकोनॉमी को आपने डिस्टर्ब किया, 1.5 साल के इस देश के पार्लियामेंट को चलने नहीं दिया, तब ये चीज याद नहीं आ रही थी आपको? पार्लियामेंट चलाने दी, पार्लियामेंट नहीं चलने दी, तो वो राइटली सेट के तो आपको चलानी आनी चाहिए थी सर, अगर वो नहीं चलने दी तो इट वाज, यू कुड हैव हैंडल दैट ना। अब वो अगर नहीं चली तो हम दोषी नहीं है ना? अब अगर पार्लियामेंट नहीं चले तो हम दोषी नहीं रहेंगे ना?
ठीक है, अभी ऐसे भी आपके पास मेजोरिटी नहीं है, छोड़ दो इस बात पे आप चर्चा ही नहीं कर सकते। जनता ने इसको छोड़ा ही नहीं है आपके लिए, जनता ने बिल्कुल छोड़ा नहीं है। फिर भी आप बोल रहे हैं, लेट अस गेट टू द रेलवे बजट बेसिक्स के जो पहले भी मैंने बताया। जी रुजान जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपसे कहूंगी, हम दोनों अगर बात करते हैं, पोस्ट ऑफिस से ही सारा बुकिंग होगा ट्रेन का, क्या हमारे भारत की जो जनता है वो इतनी एजुकेटेड हो गई है या 5 साल में इतनी एजुकेटेड हो जाएगी कि वो ये सब कुछ ऑनलाइन कर पाएगी? सबसे पहले नहीं, ये पोस्ट ऑफिस से बुकिंग वाली तो अच्छी बात है, क्योंकि यू नो ऐसे भी पोस्ट ऑफिस अभी प्रैक्टिकली डिफंक्ट बैठी है, उनके पास कुछ काम नहीं है, तो कम हो गया है, तो उनको भी चलाने के लिए, उनको भी रोजी रोटी निकालने के लिए ये एक अच्छी बात है, ताकि ये जो एंड जो 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 छेवाड़े के आदमी है वो पोस्ट ऑफिस से इजिली टिकट बुक कराए, तो वो तो अच्छी बात है। हमने जो टेक्नोलॉजी लेट से मोबाइल पे भी टिकट चालू कर दी, कोई नई बात नहीं थी, बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी, अभी की इट इज इनफैक्ट आई एम वंडर्ड कि इतना लेट किया। तो ये सब तो पॉजिटिव स्टेप्स, इसमें कोई नई बात नहीं है। व्हाट आई अंडरस्टैंड कि ये सब तो आई मीन कोई भी गवर्नमेंट होती, फॉरगेट दिस गवर्नमेंट और दैट गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट होती ये स्टेप्स तो लेने थे, इसमें कोई खास बोझ नहीं पड़ रहा है, बिकॉज दीज आर ऑल खुद के यू नो ये खुद सेल्फ सस्टेनेबल स्टेप्स है, इसलिए इसमें कुछ नहीं, इनफैक्ट इससे सुविधाएं बढ़ रही है। लेकिन जो मेरा कहना है कि जो अभी लेटर से कि कुछ 40,000 करोड़ उन्होंने सफाई के पीछे और डाले हैं, जो पहले भी डाले गए थे, लेकिन फिर भी सफाई में कुछ होता नहीं, तो वो जो पैसे जब जो हमारी देशी भाषा में तो चाव हो जाते, चाव वो पैसे जो चाव हो जाते वो इम्पोर्टेंट है देखने के लिए, वरना 40,000 क्या 4,00,000 करोड़ डालेंगे तो भी कम होगा सफाई में। तो ये सब जो इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन ऑफ कौन से वो इम्पोर्टेंट है हमें हैंडल करने में, बाकी बजट में देखा जाए तो सी आउट अगर क्वालिटी नो, मैंने पहले भी बोला कि ये कोई आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग नहीं है, कोई क्रिएटिव बजट नहीं है कि जिसमें मैं कुछ सोचू कि कुछ एकदम नया हो सकता है और जिससे देर कैन बी सम इन्फ्लेक्शन पॉइंट हो सकती है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट वाला बजट नहीं है, बट ये नॉर्मल रूटीन बजट, इसमें वैसा भी मैं नहीं कहूँ। जी बिल्कुल, इस चर्चा पर हम बने रहेंगे, पहले लेते हैं एक ब्रेक।